वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम स्टडी टाइम। इन प्रीवियस वीडियो हमने हैज हैव पे काफ़ी यूजेज पे डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको हैज हैव का पूरा यूज आ सके। और आज हम लोग जा रहे हैं हैज हैव का एक और यूज पढ़ने, हैज टू हैव टू। ये स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू का यूज जो है कंपल्शन यानी कि मजबूरी के लिए किया जाता है। जिन सेंटेंसेज में हमें कोई काम जैसे कि हम करना नहीं चाहते अपनी इच्छा से, सिर्फ मजबूरी की वजह से करना पड़ता है, तो उन सेंटेंसेज के लिए हम जो है हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। हैज टू और हैव टू प्रेजेंट के लिए यूज होता है, अगर पास्ट के लिए होता तो हैड टू होता, और अगर फ्यूचर के लिए होगा तो विल हैव टू होगा। वो हैड टू और विल हैव टू का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, और इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी हैज टू और हैव टू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ये जो हैज टू और हैव टू किसके लिए यूज होता है, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर कंपल्शन, यानी कि ये वर्ड्स केवल कंपल्शन मतलब मजबूरी के लिए यूज किए जाते हैं। जो काम हमें करना नहीं अच्छा लगता है लेकिन उसे करना पड़ता है मजबूरी में, उसके लिए ये यूज होता है। इस सेंटेंसेज के लास्ट में हमेशा मिलेगा ता है, ती है, ते है, और साथ में कहीं कहीं कभी कभी सेंटेंसेज में ना है, नी है, ने भी मिलता है। ठीक है, इसका जो अफर्मेटिव का सेंटेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है, हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है में से जो भी रहेगा उसको लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में ही हैज है यानी कि हैज का यूज किया जाता है, उसके बाद हैज का यूज खत्म हो जाता है, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में सिर्फ हैव टू का ही यूज रह जाता है। अगर निगेटिव सेंटेंस देखें किस तरीके से बनता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू और डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर हैव टू। देखो हमने कहा था ना सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हैज टू का यूज होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आते ही हैज टू का यूज खत्म हो जाता है, सिर्फ हैव टू का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर बन गई है, डू और डज। ठीक है, तो डू और डज को हम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद हैव टू और ऑब्जेक्ट। हमने कहा था ना कि मतलब हैज टू का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके के सेंटेंस भी हमें कंपल्शन वाला सेंटेंस बनाना, वो भी प्रेजेंट का, तो हैज टू का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ओनली हैव टू का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उसे अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ रहना पड़ता है, यानी कि मतलब वो रहना नहीं चाहता है, उसे पढ़ाई के लिए वहाँ रहना पड़ता है, तो वो उसकी मजबूरी है। और जहाँ पर भी मजबूरी वाले सेंटेंसेस बनते हैं तो यहाँ पर हैज और हैव टू का यूज करके बनाया जाता है। तो ही हैज टू लीव हेयर फॉर हिज स्टडी, ठीक है, ही हैज टू लीव हेयर फॉर हिज स्टडी, उसे अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ रहना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है, मतलब खाना पकाना किसको अच्छा लगता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इस तरीके से बना है। तो इसमें क्या लगाएंगे, हमने कहा था निगेटिव सेंटेंसेज में डू और डज का यूज करना है, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डू और डज लग जाएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, तो आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। उसके बाद है थर्ड, हम जैसे कि यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को ही आगे कर दिया जाता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। ठीक है, तो डू को हम आगे करेंगे, क्या तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज जाना पड़ता है, तो डू को हमने आगे कर दिया, डू यू हैव टू गो टू कॉलेज डेली, डू यू हैव टू गो टू कॉलेज डेली, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता भाई, मजबूरी है, उसे जाना पड़ता है कॉलेज। उसके बाद फोर्थ है कि तुम्हें अपने भाई को कब पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें अपने भाई को कब पढ़ाना पड़ता है, यानी कि ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू और डज है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद यू यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू लगाएंगे और टीच योर ब्रदर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि हैज टू का यूज ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज का यूज नहीं होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो यहाँ पर मैंने 5 sentences दिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए, इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और अगर आप इसे अच्छे से ट्रांसलेट कर ले जाते हैं तो आप लोग समझिए कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।